हेलो फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, कई सारे स्टूडेंट्स का डिमांड था कि प्लेसमेंट के बारे में भी कोई वीडियो बनाइए। तो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में प्लेसमेंट के बारे में ही बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, प्लेसमेंट से पहले आप जान लीजिए क्या क्या कोर्सेस जो है NITI ऑफर करता है। सो आप देख सकते हैं कि BBA इन ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, BSc इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, जो कि CET एग्ज़ाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे BTech में 3 ऑफर किए जाते हैं कोर्सेज, जो रेल सिस्टम्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, रेल्स इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग और मैकेनिकल एंड रेल इंजीनियरिंग। सो फ्रेंड्स, ये तीनों एडमिशन बेस्ड ऑन JEE मेन परसेंटाइल के बेस पे होता है। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे कि PG कोर्सेज में क्या होते हैं। MBA ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी। सो फ्रेंड्स, ये 3 कोर्सेज होते हैं MBA में। और अभी बात करते हैं कि MSc में भी 3-2 कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एनालिटिक्स, नेक्स्ट फ्रेंड्स रेलवे सिस्टम इंजीनियरिंग। सो फ्रेंड्स, अभी चलते हैं कि आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दिए। फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं प्लेसमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले हम फ्रेंड्स बात करेंगे कि BSc BBA का प्लेसमेंट की बात करते हैं कि जो टोटल क्लास साइज स्टूडेंट था वो था 99 स्टूडेंट्स का, जिसमें क्या है 16% फीमेल स्टूडेंट्स थी। और जो एलिजिबल स्टूडेंट जो जिनका प्लेसमेंट हुआ वो थे 82% लोगों का, और अदर स्टूडेंट्स जो हायर स्टडीज़ के लिए गए होंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि 128 अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए गए थे, 84 ऑफर्स मेड किए गए, जिसमें ये जो है अटैम्प्ट 6 एवरेज अटैम्प्ट स्टूडेंट्स द्वारा लिया गया था। और फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हाईएस्ट प्लेसमेंट जो गया है वो 9.3 लैक्स पर एनम गया है, और जो एवरेज गया है एवरेज सिटीसी जो कि 4.1 लैक गया है नियर अबाउट। यहाँ पर देख सकते हैं कि हाईएस्ट प्लेसमेंट 10 लैक के करीब पहुँच गया है, और जो मीडियम पैकेज गया है यहाँ पे 3.55 लैक गया है, और जो सबसे हाईएस्ट ऑफर किए वो क्या हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड कंपनी ने सबसे हाईएस्ट प्लेसमेंट किया, और सबसे ज़्यादा मोस्ट एजुकेटेड स्टूडेंट जो है वो अल्ट्रा टेक ने दिया था। सो फ्रेंड्स, ये थी आप देख सकते हैं कि शुरू शुरू में ही कितनी ज़्यादा मतलब कि प्लेसमेंट जो है कि लगा हुआ है बच्चों का। और फ्रेंड्स, ये अभी शुरुआत है, आगे प्लेसमेंट जो है और अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं प्लेसमेंट्स बाय इंडस्ट्रीज, आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, PSUs में भी स्टूडेंट्स गए हैं कुछ, अदर्स यहाँ देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग, और यहाँ पर देखें FMCG। सो फ्रेंड, ये थी हमारे प्लेसमेंट बाय इंडस्ट्रीज। और नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स जो है IIM लखनऊ में भी प्लेस्ड हुए हैं, ISB YLP यहाँ पर देख सकते हैं प्लेस्ड इन MBA एडमिशन एट NITI में कुछ बच्चे का भी हुआ है, प्लास का फेलोशिप यहाँ पर देख सकते हैं। कई सारे प्लेसमेंट बच्चे अलग अलग फील्ड में गए हैं। सो फ्रेंड्स, हम BTech के प्लेसमेंट की बात करेंगे तो अभी BTech का प्लेसमेंट जो है फर्स्ट बैच जो है 2024 में पास आउट होगा, तो उसके बाद हम उसके प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। और PG के प्लेसमेंट की हम बात करेंगे कि वो विद इन 1 or 2 मंथ में आपको क्लियर आउट दे देंगे कि PG का प्लेसमेंट कितना गया है, अभी डिटेल जानकारी नहीं मिली हुई है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीवियस रिक्रूटर्स जो भी आए हुए हैं, आप देख सकते हैं आदित्य बिरला के कंपनीज का ढेर सारे हैं, सीमेंस, हिटैचीज, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, DP वर्ल्ड, ये सभी कंपनियां आई हुई हैं। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि टाटा भी आई हुई है यहाँ पे, फिर जॉनसन लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज, LNT, NSL, KEC, आप देख सकते हैं ढेर बड़ी बड़ी सारी कंपनियां यहाँ पे आई हुई हैं प्लेसमेंट के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेलटेल जैसी जो रेलवे के जो है कंपनियाँ से वो भी आती हैं, फिर डार्सल हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड जिसने अभी तक मैक्सिमम पैकेज दिया है BSc BBA में प्लेसमेंट में। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यूलूड, और देख सकते हैं ट्रुचि, रोसोया इंडस्ट्रीज, रिलायंस, अल्ट्राटेक, सिम इंडस्ट्रीज, जो कि ने सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया था अल्ट्राटेक ने। और यहाँ पर देख सकते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड, ये भी रेलवे की कंपनियाँ हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि अभी कई सारे बच्चों का मन में जो डाउट था कि ज्वाइनिंग NITI इज़ वर्थ इट और नॉट। फ्रेंड्स, हमें लगता है कि आपको आंसर मिल गया होगा इसका, और कई सारे पेरेंट्स का जो डाउट था प्लेसमेंट रिलेटेड वो भी दूर हो गया होगा। थैंक यू।